पश्चिम बंगाल जिला अलीपुरद्वार ब्लॉक कालचीनी में बीज चा बागान में पानी का समस्या विगत दो वर्षों से है। सरकारी योजना NRDWP के तहत पानी 70 LPDC मिलना है, मगर 300 घरों में पानी का समस्या मिटता ही नहीं। 1400 लोगों को पीने योग्य पानी का समस्या है। पहले पानी का सप्लाई बगान मैनेजमेंट द्वारा दिया जाता था, मगर लीकेज के कारण पानी आना ही बंद हो गया। लोग 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं। रेशमी महली कहती है बहुत समस्या है। अभी 2-3 साल हो जाते हुए पानी का ट्रबल हुआ थे। हमने का तो इन्हें पंचायत मन के भी कहा जाते हैं, वहाँ मन बना पे के कहा थे, बनाई नहीं जो थे। पानी की समस्या होने से लड़कियों को दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है, जिस कारण स्कूल ड्रॉप आउट की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। জলের জন্য না স্নান করতে পারি না, বাচ্চাদের কাপড় স্কুলের কাপড় ধুতে পারি, নোংরা কাপড় নিয়ে তো স্কুলের পাঠা যাবে না। এই সমস্যা তো কম করিও 10-12 বছর থাকি, 3-4 মাস থাকি তো খুব একে বিপদে পড়ছি। গন্ধা পানি কে সেবন সে অন্য বিমারি হতি রাখতি হ্যাঁ। টিবি কে কারণ বি 4 কি মৌত হো চুকি হ্যাঁ, পর সমস্যা কা হল না নিকাল टी गार्डन मैनेजमेंट और पंचायत के लोग दूसरे पर मामला को डाल रहे हैं। 3 दिन होया गेलो मैनेजर के बोलते जे एरकम करिए कि संसार चले, तो बोललो ठीक है आमी लोक पठाबो। कोई लोक पठालो, लोक पठार पर तो एखनो जल पाइतेछी ना। सर पंचायत का कह जाइला हले कोनो नी कहे ना ओ मने। वीडियो देख रहे समस्त दर्शकों से आवेदन है कि वे बीच चा बागान में रह रहे लोगों की साफ एवं पीने योग्य पानी मुहैया कराया जाए। इसके लिए आवेदन करें DM अलीपुर द्वार श्रीमान देवी प्रसाद कारनाम, नंबर 8170063474 नंबर में कॉल कर अधिक से अधिक आवेदन करें। मैं हरिहर नागबंसी पश्चिम बंगाल से इंडिया अनहट के लिए।